Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge Zone. So, as you know, in the previous videos, we are going to discuss about the culture and tradition about 13th to 18th century. That is just the basic I want to explain you from that chapter. Already you know the chapter is removed from the syllabus, but I want to explain about the years from 13th to 18th century. That's all. आपको सिर्फ अर्ली टाइम क्या होता, ओके मॉडर्न टाइम क्या होता, अर्ली मॉडर्न टाइम क्या होता, मेडिवल पीरियड क्या होता, वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं वो टॉपिक्स के कुछ आपको हिस्सों को एक्सप्लेन कर कर बताया. एक्चुअली वो चैप्टर हमारे रीडर में नहीं है, ओल्ड रीडर में है वो एक्चुअली चैप्टर. आप न्यू रीडर आप देखेंगे तो उसके अंदर वो चैप्टर नहीं है. डायरेक्ट आपको डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन से स्टार्ट है. तो बट 17th सेंचुरी के पहले क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें हो रही थी, वो इयर्स कब से कब तक हम उस पीरियड को क्या बोलना, इसलिए मैं आपको क्लासेस दिया. ओके सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन फ्रॉम 17th, 18th एंड 19th सेंचुरी. एंड एज यू नो एवरीवन दिस इज 21st सेंचुरी. ओके ये हम जो अब सेंचुरी है ये 21st सेंचुरी है. तो 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 इयर्स होता. तो आप सोचिए हम 17, 18, 19, 20, 21 यानी आज से 500 इयर्स पहले के चीजों के बारे में पढ़ने वाले. सो फर्स्ट थिंग डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक किसको बोलते, बोलते कोई भी फ्रीडम कंट्री जहां पर राइट टू वोट रहता, वोट डालने के राइट्स रहते पब्लिक को, जहां पर पब्लिक अपनी पसंद से कोई भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते. रिप्रेजेंटेटिव यानी एमएलए हो, सीएम हो, पीएम हो, ओके इस तरह से इलेक्शन करके अपने पसंद से रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वैसे चीज को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक. ओके और वैसे ही गवर्नमेंट को कहा जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहां पर पीपल्स क्या करते हैं अपनी पसंद से वोट डालकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को बनाते हैं, चाहे प्रेसिडेंट हों, चाहे पीएम हों, सीएम हों, एमएलए हों, राइट. एंड साथ ही साथ नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन किस तरह से 17, 18 और 19 सेंचुरी में वर्ल्ड के कई जो देश थे वो किस तरह से नेशनल रेवोल्यूशन यानी कि आजाद हुए, फ्रीडम पाए, ये हम सब चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके सो टेक आउट योर चैप्टर नंबर 12 इन योर रीडर्स एवरीवन. टुडे वी आर यूज्ड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ऑल द सिटीजन हैव फंडामेंटल राइट्स एंड ट्रीटेड एज इक्वल बाय लॉ. जैसा कि आपको मैं बताया कि डेमोक्रेटिक का मतलब ही क्या होता है, जहां पर पूरी क्या रहना, गवर्नमेंट कैसी रहना बता रहा, जो भी चीजें पब्लिक के पास सिटीजंस यानी कि वहां के लोगों को कहा जाता. तो सिटीजंस के क्या पास रहना, फंडामेंटल राइट्स रहना. फंडामेंटल राइट्स यानी कि भाई राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव, राइट टू कल्चर एंड रिलीजन, ये सारे जो बेसिक कल्चर बेसिक जो राइट्स रहते हैं, राइट्स यानी कि हक रहते हैं, उसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स. तो हर सिटीजन के पास जहां पे भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होती उसको फंडामेंटल राइट दिए जाते और ट्रीटेड एज इक्वल बाय द लॉ, यानी कि कानून सबके लिए एक ही बराबर रहता, किसी को कुछ गलत, किसी को कुछ कम, इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता, कानून सबके बराबर एक रहता. जैसा कि बताया जाता ना आपने ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब एक बराबर है. अगर कोई बड़ा आदमी वीआईपी अगर कोई गलती करा, कोई कानून कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करा या कोई कॉमन पीपल करा, जो कॉमन पीपल को हम जो सजा देते वो वीआईपी हों, सीएम हों, पीएम हों, उसको भी वही सजा है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, राइट. दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वाज नॉट देयर इन देयर अर्लियर टाइम. मतलब ये वो जो फंडामेंटल राइट्स हम आपको आज है, जहां पर हम आज कानून सब इक्वल है हमारे लिए, जो लॉज बनाए गए सबको इंप्लीमेंट होते, सबको लागू होते, अर्ली टाइम जैसा कि मैं बताया आपको मॉडर्न टाइम, अर्ली टाइम, मेडिवल टाइम, वो टाइम में ये सारे चीजें नहीं हुआ करती थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ नहीं करती थी. पहले क्या होती थी बोलते मोनार्चिस रूल होता था, इन द सेंस किंगडम रूल, राजाओं का रूल होता था, राइट. जैसा कि कंट्री में रूल बाय किंग और एम्परर, मैं क्या बोला आपको कंट्री रूल बाय किंग यानी कि कंट्री पहले किंग यानी तो एम्परर, बड़े बड़े राज्य क्या करते थे कंट्री को, एम्पायर को चलाया करते थे पहले. एंड हु मेड द लॉ एंड देयर विल, और वो लोग अपने हिसाब का कानून बनाते थे, वो लोगों को जैसा समझ में आया वो कानून बनाया करते थे, सबके लिए नहीं होता था. एंड द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन टू ईस्ट स्टेट्स, और सोसाइटी को ईस्ट स्टेट्स में डिवाइड कर देते थे, वी आई पी लोगों को अलग, फिर मिडिल क्लास लोगों को अलग, फिर पूर लोगों को अलग, इस तरह से सोसाइटी डिवाइड होती थी किंगडम्स में. Each had its privilege and obligation. हर किसी के अपने अपने privilege यानी कि advantages है और obligations भी है, कुछ कुछ नुकसान भी है उसमें.
In this chapter, we will read about how people fought to build democratic political system and achieve social equality. तो हम ये चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से लोग लड़कर बहुत ज्यादा लड़के फाइट कर किस तरह से लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आए, जहां पर किंगडम रूल था, राजाओं के किंगडम रूल को हटाकर क्या लेकर आए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आए, किस तरह से लेके आए और किस तरह से सोशल इक्वालिटी को अचीव करे। सोशल इक्वालिटी यानी कभी सबको एक नजर से देखना, सब बराबर रहना, सबको इक्वालिटी मिलना, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं, ये सब चीजें कैसे अचीव करें, ये सारे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। In Europe, England was ruled by king of Tudor dynasty at the beginning of 17th century. तो हमारे पास 17th century में, England में Tudor dynasty, dynasty बोले तो किसको बोलते हैं भाई, kingdom को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, kingdom को बोलते हैं। तो 17th century में England में Tudor dynasty बोलकर king क्या करता था, वो England को लेके run करता था। जैसा कि आपको मैं पहले भी बताया कि 19th सेंचुरी के बाद से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुई। 19th सेंचुरी से पहले जैसा कि 17 है, 16 है, 18 है, ये सब वो वक्त में किंग्स रूल करते थे पूरे वर्ल्ड के ऊपर। तो 17th सेंचुरी में जो हमारा इंग्लैंड है, यूरोप की एक कंट्री है, वहां पर 17th सेंचुरी में टूडर बोलकर एक किंग था, वो उसके ऊपर रूल कर रहा था। एट दैट टाइम द पोप वाज द हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, और वही टाइम पर पोप यानी कि क्रिश्चियन के जो चर्च के बहुत बड़े फादर जिसको बोलते हैं उसको पोप कहा जाता। तो वो वक्त में पोप क्या होते थे, पूरे रोमन कैथोलिक चर्च के क्या होता था, हेड रहता था पोप। बट द टूडर किंग रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द पोप, मगर के 17th सेंचुरी में टूडर क्या करा, यानी कि वो किंग क्या करा इंग्लैंड का, 17th सेंचुरी में जो किंग था उन्हें क्या करा, रिफ्यूज कर दिया, उन्हें बोला कि ये सब चर्चों का जो तुम हेड है मैं रिफ्यूज करता हूं, मना करता हूं। उन्हें कैंसिलेशन कर दिया वो चीज को राजा। द थॉट दैट इंग्लैंड शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पोप एंड रोमन कैथोलिक चर्च, सून अनदर न्यू कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द किंग एज टू हु वाज मोर पावरफुल इन द किंगडम। तो वहां के जो इंग्लैंड थे, इंग्लैंड वाले सोचे कि भाई पोप जो है इंडिपेंडेंट है, जो कि क्या करते हैं लोग कैथोलिक चर्च को चलाते, इंडिपेंडेंट यानी कि खुद पे, उन्होंने को कोई पावर कोई हटा कर नहीं सकता, तो वो खुद इंडिपेंडेंट है। तो उसको हटाने की जो इंग्लैंड का जो राजा टूडर बोला, वो चीज क्या हुई, कैथोलिक में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दी, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई झगड़ा। तो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट किस किस में हो गया, वहां की ऑलरेडी जो है जो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी कि जो पोप का जो चर्च का इलाका है, जो एसोसिएशन है चर्च का फादर का, वो पोप के चर्चों में और किंग में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। बट हु वाज द मोर पावरफुल इन द किंगडम, और ये डिसाइड हो रहा कि ज्यादातर पावरफुल कौन है, यानी कि पोप है यानी कि वो चर्च के पूरे हेड के फादर है यानी तो किंग है। अब इस तरह का कंपटीशन, एक क्या बोलते हैं, तो चैलेंज शुरू हो गया, एक कॉन्फ्लिक्ट। लेट अस सी हाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, और यही कॉन्फ्लिक्ट से हम पढ़ के ये अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पर पोप और किंग की जो कॉन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई शुरू हुई, उसकी वजह से किस तरह से ब्रिटेन के ऊपर असर पड़ा और ब्रिटेन किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करा। किंगडम रूल से ब्रिटेन कैसा गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक फॉर्म करा। डेमोक्रेटिक इज नथिंग बट आजाद नहीं। नॉर्मली अगर आपको सेंटेंस बताऊं तो डेमोक्रेसी इज नथिंग बट फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, यानी पीपल के लिए, पीपल के वास्ते, पीपल कुछ काम करने वाली गवर्नमेंट, सर्विस करने वाली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऐसी जो पीपल का बेनिफिट करना, आजाद रहना, फंडामेंटल राइट्स देना, ऐसे गवर्नमेंट्स को बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि किंगडम रूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंग्लैंड द सिविल वॉर एंड द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। अब देखिए किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किस किस के बीच में चल रहा है, एक हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च के पोप एंड साथ ही साथ किसके, किंग के बीच में चल रहा है, कहां पर, इंग्लैंड में। चलिए अब देखिए, In 1603, James I of Stuart dynasty became the king of England after the death of last king of Tudor dynasty. तो 1603 में एक Stuart dynasty form हुई after the death of the Tudor dynasty of Queen. यानी कि last queen जो थी Tudor dynasty की, वो जैसा ही मर गई, मरने के बाद किसका dynasty आया 1603? James I Stuart dynasty का rule start हुआ। The king needed the approval of this parliament to impose any tax or approve new laws.
तो जो नया किंग जो आया स्टुअर्ट डायनेस्टी का जो नया किंग आया उन्हें बोला कि भाई जितने भी पार्लियामेंट के जितने भी जरूरत की चीजें हैं वो सब क्या करना इम्पोज करो यानी कि फोर्सफुली हटाओ और हटाकर क्या करो न्यू लॉज बनाओ यानी कि जो पुराने राजा के जितने भी रूल्स थे वो हटाओ हटा के न्यू लॉज बनाओ न्यू लॉज यानी कि नए कानून बनाओ कौन बोल रही स्टुअर्ट डायनेस्टी बोल रही किसके बाद आए नो आफ्टर द टूडोर डायनेस्टी ऑफ द लास्ट क्वीन बनने के बाद आए 1603 में he did not want the parliament to question him तो स्टुअर्ट डायनेस्टी क्या चाह रहा था वो तो भाई कोई भी पार्लियामेंट यानी कि कैथोलिक चर्च के जो भी हेड है यानी कि जो ऑलरेडी पार्लियामेंट है इंग्लैंड में उन्हें चाह रहा था कि भाई कोई भी उससे सवाल नहीं करना किसी चीज का अगर उन्हें कानून बना रहा या कोई भी चीज को अपग्रेड करा तो कोई उससे सवाल नहीं करना और साथ ही साथ उसका क्या मानना था he believed that the absolute power of the king were given by the world और स्टुअर्ट डायनेस्टी का जो राजा था जो 1603 में आया इसका क्या मानना था वो तो इसको जो रूल करने का जो हक मिला वो डायरेक्ट गॉड से मिला इस तरह का इसका बिलीफ था स्टुअर्ट डायनेस्टी का यानी कि जो उन्हें रूल कर रहा जो कानून बना रहा उन्हें जो भी डिसीजन ले रहा उसको ऑलरेडी राइट से कहते हक से कहते वो भी कौन दिए कहते गॉड दिए बोल के बता रहा हूँ ओके इस तरह का बिलीफ था सो दैट द किंग रूल बाय डिवाइन राइट तो इस वजह से किंग को कह रहे थे डिवाइन राइट डिवाइन यानी डायरेक्ट गॉड से उनको क्या है परमिशन है इस तरह का उनका बिलीफ है मानना है तो वैसे राइट्स को डिवाइन राइट्स कहा जाता है दिस वाज कॉल्ड द डिवाइन राइट थ्योरी और इसको हम डिवाइन राइट थ्योरी बोलते बोलोने देयरफॉर ही बिलीव दैट द किंग शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द पार्लियामेंट और डिवाइन राइट थ्योरी के तहत ये राजा बता रहा कि भाई किंग को कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर क्या करना कंट्रोल नहीं करना उससे सवाल नहीं करना उन्हें जो करा उसको एक्सेप्ट करना उसका यही मानना है डिवाइन राइट थ्योरी के तहत ने वो चीज को एक्सप्लेन करा जेम्स वन वाज सक्सेस बाय चार्ल्स वन एंड चार्ल्स वन डिसॉल्व द पार्लियामेंट एंड रूल फॉर द 11 ईयर विदाउट एनी पार्लियामेंट तो जेम्स वन सक्सेस हो गए जेम्स वन सक्सेस होने के बाद चार्ल्स वन है ये राजा ऐसे चाहते रहते ये कोई पब्लिक इलेक्ट नहीं करती ये चल लेते हुए आता एक बेटा मर गया तो उसका दूसरा बेटा ऐसा चल लेते हुए आते रहता जैसा कि टूडोर डायनेस्टी बनने के बाद स्टुअर्ट डायनेस्टी है स्टुअर्ट डायनेस्टी के बाद क्या है यहाँ पर जेम्स वन जो राजा थे स्टुअर्ट डायनेस्टी के उसके बाद चार्ल्स वन आए चार्ल्स वन क्या करे टोटली पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिए पूरा खत्म कर दिए खत्म करके 11 इयर्स तक रूल करे इंग्लैंड के ऊपर कितने 11 इयर्स तक रूल करे पूरा पार्लियामेंट को विदाउट एनी पार्लियामेंट But in 1640, he needed money to fight some war. But 1640 में, यानी कि 16th century में, 1640 में, इनको वार लड़ने के लिए इनको पैसे की जरूरत हुई। वार के लिए होता ना कि खर्चा होता, वेपन्स लाना रहता, बहुत सारी चीजें रहती। तो उसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पर, so he forced to summon the parliament to get special grant. तो मजबूरी में 1640 में क्या करें? पैसे होना है जंग के लिए बल्कि एक छोटे मोटे क्या करे पीपल्स को गैदर करके एक पार्लियामेंट ग्रांट कराए पार्लियामेंट को फिर बनाने लगा सो ही वाज फोर्स टू समन द पार्लियामेंट टू स्पेशल ग्रांट दिस पार्लियामेंट कंटिन्यू 1640 टू 1660 एंड हेंस इट वाज कॉल्ड द लॉन्ग पार्लियामेंट और साथ ही साथ ये पार्लियामेंट भी कितने टाइम तक बनाने लगा 1640 से लेकर 1660 यानी कि कितना टाइम हो गया 1640 से 1660 20 इयर्स और इसी को कहा जाता है लॉन्ग टर्म पार्लियामेंट यानी कि बहुत टाइम तक इंग्लैंड में बहुत पूरे हिस्ट्री में इंग्लैंड में सबसे ज्यादा टाइम पार्लियामेंट का रहा 20 इयर्स तक पार्लियामेंट को चलाया गया इंग्लैंड में वो भी कह देंगे सिर्फ वार के पैसे चाहिए था किसको चार्ल्स वन को जंग के लिए तब उस वजह से पार्लियामेंट को बनाने लगाया द लॉन्ग पार्लियामेंट डिसाइड टू कंट्रोल द ऑटोक्रेसी द किंग एंड हिज मिनिस्टर अब जैसा ये लॉन्ग टर्म पार्लियामेंट डेवलप होगा उतने टाइम तक रन कर दिया उन्हें वो लोग डिसाइड कर लिए हम ऑटोक्रेसी यानी कि जो राजा का रूल है और उसके जो भी मिनिस्टर आए होते ना वजीरा वगैरह उसको हम खत्म कर देंगे बल्कि अब डिसाइड कर लिए पार्लियामेंट वाले और साथ ही साथ दे अपॉइंट एंड दे अपॉइंट पनिश बाय द मिनिस्टर एंड ऑफिसर ऑफ द चार्ल्स वन स्टॉप एंड वर्किंग ऑफ स्पेशल कोर्ट क्रिएटेड बाय द किंग चार्ल्स वन टू एडवांटेज ऑफ द डिफरेंस विद इन द पार्लियामेंट एंड ट्राई टू अरेस्ट हिज अपोनेंट इन द पार्लियामेंट तो अब यहाँ पर लोग डिसाइड के लिए पार्लियामेंट के लोग ये डिसाइड के लिए कि अब इन लोगों को मिनिस्टरों को चार्ल्स वन जो भी चार्ल्स के मिनिस्टर से राजा के लोगों को पनिश करेंगे पनिश करके लोगों को स्टॉप कर देंगे और एक स्पेशल कोर्ट बनाने लगे कोर्ट बना के चार्ल्स किंग क्या करा एक एडवांटेज होता फायदा होता क्या फायदा होता है डिफरेंस विद इन द पार्लियामेंट ट्राई टू अरेस्ट हिज अपोनेंट इन द पार्लियामेंट जो भी इसके खिलाफ करा उसको क्या करा अरेस्ट कर लेना अरेस्ट करके बंदी बना लेना राजा
सिविल वॉर स्टार्टेड बिटवीन द पार्लियामेंट्री पार्टी एंड द किंग पार्टी, तो उस वजह से वहां पर क्या हुआ, एक बहुत बड़ी सिविल वार हो गई। सिविल वार यानी कि आपस के लोगों में एक कंट्री में या एक घर में जो लड़ाई हो जाती है उसको बोलते हैं सिविल वार, राइट। तो एक ही कंट्री में अगर लड़ाई हो गई या एक ही जगह में लड़ाई हो गई, ओके, जान पहचान में फॉर एग्जाम्पल, तो उसको सिविल वॉर कहते हैं। सिविल वॉर स्टार्ट होगा किस किस में, एक तरफ पार्लियामेंट्री पार्टी है और एक तरफ किंग की पार्टी है। विच लास्ट फॉर 5 इयर्स, और कब तक चली वो, 5 इयर्स तक चली। अल्टीमेटली चार्लमैन वाज डिफीटेड एंड एजुकेटेड इन 1649 एंड इंग्लैंड बिकेम ए रिपब्लिक। तो आखिरकार चार्लमैन जो थे हार चुके थे पार्लियामेंट से, जो 5 साल लगातार फाइट चली, चार्लमैन जो थे वो हार गए। हारने के बाद उनको खत्म कर दिया गया, 1649 में एग्जीक्यूट खत्म कर दिया गया, और इंग्लैंड जब क्या हुआ, बिकेम ए रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी कि आजाद मुल्क बना इंग्लैंड, पूरे किंगडम नाम का रूल इंग्लैंड से खत्म हो गया 1649 में, तब आजाद हुआ। और सुनो हमारा जो इंडिया का दौर कब हुआ, 1947। तो सुनो आप पिता वक्त के आमा को आजाद होने में। However, this experiments of republican government was not very successful and did not last long. पर के जो रिपब्लिक लेके आए, यानी कि जो एक किंग रूल को हटाकर एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आए, ये लास्ट लॉन्ग, ज्यादा देर तक चला नहीं। क्यों? In 1688, William of Orange and his wife Mary, granddaughter of Charles I, were invited by the Parliament to occupy the throne of England. तो यहाँ पर क्या करें? 1688 में क्या करें? यहाँ पर William of Orange and his wife, जो कि क्या है? Granddaughter of Charles I, यानी कि उनकी पोतरी, okay? तो उनको इनवाइट करके क्या करें? थ्रोन यानी कि राजगद्दी के ऊपर बिठाया गया। कौन बुलाए? पार्लियामेंट वाले खुद बुला के उन लोगों को जगह दी 1688 में। इन द न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट एंड द किंग हैड लिमिटेड पावर। बट अब कैसी गवर्नमेंट बनाई, फिर से कैसा गवर्नमेंट फॉर्म करे, तो वापस जो ग्रैंड डॉटर थे चार्ल्स वनके उनको बुलाकर उनको थ्रोन दे दिए इन्वाइट कर, और यहाँ पर अब जो भी पार्लियामेंट है किंग से क्वेश्चन कर सकती और किंग उसको आंसर देना है, और किंग के पास क्या लिमिटेड पावर थी, गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट थी जो चार्ल्स वन को हराए, उनकी खुद उनके क्या करें, पोतरी को बुलाकर क्या करें, उनको कुर्सी दे दी। कुर्सी देने के बाद क्या करें, वहां पर पार्लियामेंट वाले कुछ हद तक उनको राइट्स दे, कुछ पावर्स दे राजा उसके बाद वहां पर। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड। तो ये शुरुआत थी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंग्लैंड, इंग्लैंड की डेमोक्रेसी की यहाँ पर शुरुआत थी। नाउ द पावर ऑफ द किंग वाज नॉट अ डिवाइन बट इट वाज ग्रांटेड बाय पार्लियामेंट। अब यहाँ पर जो किंग की पावर है वो डिवाइन राइट नहीं है, यानी कि डायरेक्ट गॉड से नहीं मिला। अब इनको जो राइट दे रहे, इनके जितने भी पावर्स है वो कौन दे रहा, पार्लियामेंट की तरफ से। पार्लियामेंट जितने राइट दिया, जितनी पावर दिया उन्होंने, इस्तेमाल कर सकता राजा, उससे ज्यादा नहीं। दिस इज वाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची। इसलिए कहा जा रहा, एक पार्लियामेंट, एक डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट के अंदर किंग क्या कर रहा, रूल कर रहा, इस वजह से उसको बोलते कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। ऑल दिस टू द प्लेस विदाउट शेडिंग ए ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन फायरिंग इन अ सिंगल शॉट। और ये इतना सब जो ये चेंजेस देखे इंग्लैंड में, एक खतरा खून का नहीं दे रहा, कोई गन फायरिंग नहीं हुई, कोई खून खराबा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, समझा? The transformation therefore known as the glorious or bloodless revolution. तो इस वजह से इंग्लैंड में एक मिसाल दी जाती कि बहुत खूबसूरती से ये लोग अपनी इंग्लैंड के किंगडम रूल को हटाकर डेमोक्रेटिक रूल को लेके आए, जिसको ग्लोरियस कहने के बहुत खूबसूरत रेवोल्यूशन माना जाता है, और ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी माना जाता है, क्योंकि एक भी खून का खतरा किसी का नहीं गिरा इसमें। After the revolution, control came into the hands of the House of Commons, which represent the middle class. फिर उसके बाद revolution आया, उसके बाद जितना भी control था वो common people के हाथ में आना शुरू हो गया। लोग अपने अपने representative चुनके middle classes के लोग भी खड़े थे political parties में। In this period, only the people with the land and property had the right to vote in the election to the parliament. But जब election जो हो रहा था, वो election कर सकता है जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास property है। वैसे पर्सन ही 1688, 16 और 17 सेंचुरी में वोट कर सकते थे सभी ने। The right to vote was gradually extended by different section of the population, eventually to all adult by 1920. But आखिर में 1928 में all over the England के सभी लोगों को right to vote डालने का हक मिल गया। But starting में सिर्फ जिसके पास land, जिसके पास property है, सिर्फ वही पर्सन वोट डाल सकता था। This parliamentary form of government grew in the stage in England. तो इस तरह से parliamentary form of government, यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किस तरह से एक्सपैंड होगा इंग्लैंड में, इस तरह से फैली।
तो ये थी इंग्लैंड की आपको डिटेल्स, जो कि इंग्लैंड किंगडम रूल से होते होते क्या फॉर्म करा, डेमोक्रेटिक एक पार्लियामेंट गवर्नमेंट फॉर्म करा लाइक इंडिया, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ओके।